मान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण में व्यस्त शीतल भाव उपासकों का महाकाव्य श्री रामचरितमानस की भगवत लीला कथा में स्नेहपूर्ण अभिनंदन। हमारे अंतःकरण की शुद्धता हेतु हरि चर्चा में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, कछु दिन भोजनु बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उद्वासा बेल पाती में ही परे सुखाई तीनी सह संबद सोई खाई। भावार्थ, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परि हरे सुखान्यु परना उम्ही नामो तब भयु अपरना देखी उम्ही तब खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन कभीरा। भावार्थ, फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीर देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, भयु मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी परियर दुसर कले सब अब मली ही त्रिपुरारी। भावार्थ, हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे ससह कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस्तपु कहो न कीनी भवानी भय अनेक थी मुनि ज्ञानी अब उर्धरु ब्रह्म भर वानी सत्य सदा संतत सची जानी। भावार्थ, हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं पर ऐसा तब किसी ने नहीं किया, अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब ही हट परियरी खत जाई हूँ तभी मिली तुम्हें जब सब त्रिशीसा जाने हूँ तब प्रमाण भागी सा। भागवत, जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिराभिधि गगन बखानी पुलक गाद गिरिजा हर्षानी उमा चरित सुंदर मैं गावा सुनहु संभु कर चरित सुहावा। भावार्थ, इस प्रकार आकाश से कही ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा तब ते शिवमन भयु विरागा जब ही सदा रघुनायक नामा जहाँ तह सुने ही राम गुण ड्रामा। भावार्थ, जब से सती ने जाकर शरीर त्याग दिया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया, वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। स्वयं एवं जीवन को रामाकार करने हेतु निर्मल हरिगुण कथा रूपी नित्य नैमित्तिक अनुग्रह की वर्षा का सदैव उपयोग करते रहें। वेदों के मस्तक स्वरूप पालनहार भगवान सभी संत जन आराधकों का निरंतर एवं सर्वदा कल्याण का विस्तार करते रहें।